हेलो फ्रेंड्स, एक्सक्वल सर्वर के जो हम प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं दोस्तों, उसके अंदर आज हम करेंगे, हमारा कीवर्ड है ऑर्डर्ड बाय। ऑर्डर बाय कीवर्ड को यूज़ करके देखेंगे कि कैसे हम किसी अपने डेटा को किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में शो करवा सकते हैं, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर हो या डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, उसका दोस्तों पहले सिंटेक्स है कि हमें सिलेक्ट करना है कॉलम, कॉलम का नाम, देन उसका टेबल, देन हम दोस्तों ऑर्डर बाय कीवर्ड यूज़ करेंगे, कॉलम का नाम देंगे और असेंडिंग या डिसेंडिंग हम लिखेंगे। असेंडिंग बाय डिफ़ॉल्ट होता है, डिसेंडिंग करना है तो दोस्तों हमसे बताना पड़ेगा अलग से कि कैसे उसे हमें शो करवाना है। ठीक है दोस्तों, तो पहली कमांड दोस्तों हम करेंगे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय कोर्स। ये कमांड अभी हम सिर्फ एग्जीक्यूट करेंगे। इसमें क्या होगा दोस्तों कि ऑर्डर बाय कोर्स, कोर्स कैसे ऑर्डर करना है हमें, एक असेंडिंग ऑर्डर में। बाय डिफॉल्ट दोस्तों मैंने क्या कहा था कि असेंडिंग ऑर्डर लेता है, तो कोर्स की जो वैल्यू है वो एक असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब पहले ए बी सी से लेके फिर वो आगे सबको अरेंज करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम रन करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले इसने डॉट लिया, पहले जो इसने स्पेशल सिंबल्स होते हैं उनको लिया, फिर इसने अल्फाबेटिकली ए बी सी जो भी हमारे आते सारे लिए। देखिए तो इस ऑर्डर में इसने सारे के सारे चीज़ों को, हमारे कॉलम्स को अरेंज कर दिया है। ठीक है दोस्तों, हमारे डेटा को अरेंज कर दिया है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है दोस्तों कि डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसे कैसे लगा सकते हैं। देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने का तरीका है कि हमें सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब सारे की सारी कॉलम शो करेगा, और ऑर्डर बाय कैसे अरेंज करना है हमें कोर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब दोस्तों अभी इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करेंगे। देखिए पहले अब एक्सक्यू की आया, फिर लास्ट में देखिए डॉट नेट आएगा। ठीक है, तो इसने अल्फाबेटिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है इसको। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं हम कि ऑर्डर करना है हमें बहुत सारे कॉलम्स को आपस में, तो उसके अंदर हमने क्या किया, कॉलम तो सारे के सारे सिलेक्ट किए बट ऑर्डर बाय कैसे किया, एस नेम स्टूडेंट के नाम से उसको ऑर्डर करेगा, फिर वो कोर्स को ऑर्डर करेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा दोस्तों कि एस नेम, सपोज कीजिए हमारे पास, हालांकि इसके अंदर सेम नाम का कोई भी नहीं है। ठीक है, अगर सेम नाम का होता तो पहले उसे अरेंज करता, अल्फाबेटिकली पहले अरेंज करता। सपोज कीजिए मेरे पास दीपक दो होते, ठीक है, तो पहले वो क्या करता दोस्तों, दीपक तो लिखता बट उसको अरेंज कैसे करता, अल्फाबेटिकली बाद में कोर्स के हिसाब से उसको आपस में अरेंज करता। ठीक है, तो मैं दोस्तों पहले इस कमांड को रन कर देता हूँ। देखिए इसने अल्फाबेटिकली एस ने इनके हिसाब से सबको अरेंज किया, फिर इसने अरेंज जो उनकी वैल्यूज है कोर्स को अरेंज किया है इसके अकॉर्डिंग, हालांकि हमारे पास सेम नाम का कोई नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब दोस्तों आता है हमारे पास जो ऑर्डर सेवलर कॉलम के अंदर दूसरा एग्जांपल है कि एक को तो असेंडिंग में करना है, दूसरे को हमें डिसेंडिंग में करना है। ठीक है दोस्तों, बट प्रॉब्लम हमारे पास दोस्तों यही है कि हम इसे असेंडिंग डिसेंडिंग में कैसे करें, तो इसके अंदर हम दोस्तों काम करते हैं, एस नेम की जगह हम इसमें फीस ले लेते हैं। ठीक है, इसे ट्राई करके देखते हैं। देखिए आइए, अब हमारे पास दोस्तों फीस तो हमारे पास सेम काफ़ी है बट वो सेम नाम नहीं है, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। हम इसे क्या करते हैं, इसे हम करते हैं फीस असेंडिंग में और हमारे कोर्स को डिसेंडिंग में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस कमांड को मैं रन करता हूँ। अब क्या हुआ दोस्तों कि पहले इसने फीस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया 533, ठीक है, और कोर्स जो था उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में। सपोज कीजिए ये तीन थे हमारे पास, ये सेम थी वैल्यूज बट सबसे टॉप पे कौन सी आएगी, डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब जो अल्फाबेटिकली जो सबसे बड़ा हुआ वो पहले आएगा, फिर वी में, फिर आर। देखा आपने, तो सॉरी ये कोर्स था, हम मैं गलत बता गया आपको। कोर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज किया, देखिए पहले इसने अल्फाबेटिकली एस बड़ा सा बोलिया, फिर ई छोटा सा बोलिया, फिर सी छोटा सा बोलिया, ऐसे ही सेम इस फीस, ये फीस हमारे पास दो सेम है, तो इसमें भी पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में इसने क्या लिया, कोर्स को लिया और सी को लिया। ठीक है दोस्तों, सेम फीस इसको अरेंज किया, फिर इस कोर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। ठीक है, तो दोस्तों
ये था हमारा तरीका कि कैसे हम ऑर्डर बाय यूज करके अपने कॉलम्स को अरेंज कर सकते हैं, शो करा सकते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है दोस्तों, दोस्तों नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जल्दी मिलेंगे, टेक केयर, बाय, थैंक। जो भी बीटेक इंजीनियरिंग में आईटी और सीएससी के ट्यूटोरियल्स को देखना चाहते हैं, यहाँ पे आते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज ट्यूटोरियल मिलेंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दोस्तों आप यहाँ पे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबा के आप दोस्तों जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको हैंड टू हैंड उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए करेगी। आप दोस्तों हमारी वेबसाइट पे भी जाके हमारे ट्यूटोरियल्स को देख सकते हैं और इनसे रिलेटेड जो भी पीडीएफ नोट्स है उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे आप क्लिक करोगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे तो दोस्तों ऐसे पेज खुलेंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक। यहाँ पे लेफ्ट साइड में टॉपिक होंगे, आप यहाँ जाइए और सिर्फ आपको यहाँ पे डाउनलोड दिस ट्यूटोरियल को क्लिक करना, तो इस टॉपिक से रिलेटेड इस ट्यूटोरियल की पीडीएफ फाइल आपको डाउनलोड हो जाएगी।